अच्छा तो सिले का स्टार्ट करें। दो एलोट्रोप्स है कार्बन के जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर ये दिस इज सिलिकॉन। अच्छा दिस इज नोन एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन, मतलब इसके बहुत सारे नाम है, सिलिकॉन फोर ऑक्साइड। ठीक है, और यू कैन से कि ये दिस इज, अच्छा एस आई ओ टू, और इसके फिर बहुत सारे और नाम भी हैं, ठीक है। एस आई ओ टू, इट्स ऑल्सो सैंड, सिलिका, ग्लास, क्वार्ट्ज। अच्छा इन ऑल ऑफ दीज आर एस आई ओ टू, ठीक है। एस आई ओ टू में होता है सिलिकॉन इज ग्रुप फोर, तो सिलिकॉन इज ग्रुप फोर। ग्रुप फोर का मतलब है कि इट्स गोइंग टू मेक फोर बॉन्ड्स। एंड ऑक्सीजन जो है वो है, दैट्स ग्रुप सिक्स। ग्रुप सिक्स को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, सो इट मेक्स टू बॉन्ड्स। So the structure is like this, कि there's going to be a silicon atom, and that silicon atom is going to be bonded to, अच्छा it's going to be bonded to four oxygen atoms, क्योंकि silicon ने चार bonds बनाने हैं, and then that oxygen atom is going to be bonded to further, उसको दो बनाने हैं, so it's going to be making bonds with a silicon atom, and that silicon atom will further make bonds with, क्योंकि उसको चार bonds बनाने हैं, so it's going to make bonds with four ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। ये ऑक्सीजन एटम जो है ये एक और बॉन्ड बना रहा होगा सिलिकॉन से, दैट सिलिकॉन फर्दर विल बी मेकिंग बॉन्ड्स विद, अच्छा विद ऑक्सीजन, एंड सो ऑन। इट जस्ट कंटिन्यूज, ठीक है, जस्ट कंटिन्यूज एंडलेसली, एंड देयरफॉर इट मेक्स अ जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सिलिकॉन आगे, एक दिखा देते हैं कि सिलिकॉन आगे फर्दर मेक्स बॉन्ड्स विद, सॉरी दिस ऑक्सीजन मेक्स बॉन्ड्स विद सिलिकॉन, सिलिकॉन मेक्स फोर बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, और बस इसी तरह चलता रहेगा। सो इट्स अच्छा इसका इट्स अ टेट्रा हेड्रल अरेंजमेंट, ये मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। इट्स इसके बॉन्ड एंगल्स जो है ना सारे के सारे इन दिस अरेंजमेंट, दैट्स 109.5। इट्स अ जाइंट स्ट्रक्चर, सो इट्स गॉट सैंड जो होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट्स अ वेरी हाई, क्ले वगैरह पॉटरी यू मेक घर बनाते हो आप ईंटों से, सैंड से बनाते हो, ठीक है। सो ब्रिक्स आर मेड आउट ऑफ सैंड, तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, तो सो इट्स इट्स गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड वाई इज इट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इट्स अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर विद मेनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, अच्छा विद मेनी स्ट्रॉन्ग अच्छा विद मेनी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। और सब सब सैंड वगैरह का पता है कि वेयर इट्स यूज, ठीक है। यू मेक बिल्डिंग्स आउट ऑफ ग्लास एज वेल, ठीक है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। क्लियर है, एस आई ओ टू क्लियर है, बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस इज क्लियर, नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वो सारा भी मैं लिख देता हूँ, नो फ्री मूविंग जी सर, मेटल, नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन, कंडक्शन वाई बिकॉज नो फ्री, बिकॉज इट हैज नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स, यानी कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। और इसको भी ना, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, द वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर सिरामिक, सिरामिक सब्सटेंस, ठीक है। सिरामिक का मतलब है कि यू मेक टफ थिंग्स आउट ऑफ इट, ठीक है। हाउसेस वगैरह, ब्रिक के मतलब कोई भी, ये ओवंस वगैरह यू मेक आउट ऑफ क्ले ओवंस, तो थ्रू आउट सेंचुरीज यू यूजिंग क्ले ओवंस, ठीक है। खाना बनता है क्ले पॉट्स के ऊपर, ठीक है। सो
So it's a ceramic substance. It's a very strong substance, resistant to heat. और टूटता भी आराम से नहीं है, अनलेस वो पतला ना हो, जैसा पॉटरी वगैरह होती है ना, वो बहुत पतली होती है, तो दैट्स व्हाई इट ब्रेक्स. अच्छा लास्टली वी गोना डू मेटल्स एंड अलॉयज, लेकिन उनका भी ब्रीफ ओवरव्यू. अच्छा मेटल्स एंड अलॉयज में के वी लर्नड अर्लियर के मेटल्स क्या करते हैं. They're on the left side of the periodic table. Okay, we learned that. So they're on the left side of the periodic table. And what's important about metals is that they like to lose electrons. And they like to form positive ions. ठीक है, मेटल्स जितने भी मेटल्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे होते हैं. कहाँ गए हमारे पीरियोडिक टेबल, अभी शुरू में था, गए केमिकल बॉन्डिंग कहाँ सा आयनिक जहाँ पे शुरू किया था. तो लेफ्ट साइड जो है दैट्स ऑल मेटल्स, और मेटल्स ऑलवेज लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. उसकी रीजंस भी मैंने बताई थी कि वो लिथियम जो है वो तीन प्रोटॉन्स के साथ बैठा हुआ है. ठीक है, तो इट इसका जो न्यूक्लियस है डजंट हैव इनफ पॉजिटिव चार्ज टू टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन जो है इट्स गॉट नाइन प्रोटॉन्स. नाइन प्रोटॉन्स का मतलब इट्स गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स. तो नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे होते थे, और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स दे वर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो अब अगर हम वापस है ना, काफी ज्यादा कर लिया. अच्छा अब अगर हम वापस है ना मेटल्स एंड अलॉयज, ठीक है, तो अगर एक सब्सटेंस में ना इट ओनली हैज मेटल एटम्स, ठीक है, एंड एंड इट हैज लॉट्स ऑफ मेटल एटम्स, अच्छा मेन ये बस जल्दी से खत्म करके फिर पास वेपर्स करें. चलिए इधर एक और मेटल एटम है, ठीक है, अच्छा सो वी हैव गॉट रोज ऑफ मेटल एटम, आयरन या लेट्स से ये. अच्छा एंड द थिंग इज के दे ऑल लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो ये सारे के सारे ना दे गोइंग टू एंड अप लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैव नो प्लेस टू गो. तो दे ऑल जस्ट हैंगिंग अराउंड, ठीक है, दे नॉट डूइंग मच, दे जस्ट हैंगिंग अराउंड. सो दे नोन एज डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सो दे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑल द मेटल एटम्स, उनका जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना जो उनके न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो दे ऑल एंड अप लूजिंग दैट इलेक्ट्रॉन. And when they end up losing electrons, the ion becomes positively charged. So all of them they become. तो आपने एग्जैक्टली यही ड्रॉ करना है. Whenever somebody is going to ask you to draw gaps, बहुत ज्यादा नहीं रखने. So the lost electrons are roaming around in the gaps. So that is what a metallic structure looks like. कि भी मेटल का एटम है और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रोमिंग अराउंड, ठीक है. Why are they held in place? Because why is there a force of attraction? क्योंकि जो बीच पे इलेक्ट्रॉन है ना ये पॉजिटिव आइंस को अट्रैक्ट कर रहा है. सो द इलेक्ट्रॉन्स आर काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ क्लू. द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव आइन. द पॉजिटिव आइंस आर अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रॉन. सो दे ऑल होल्डिंग ऑन टू ईच अदर. दे ऑल अट्रैक्टेड टू ईच अदर. तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज अ जायंट मेटालिक अच्छा दिस इज नोन एज अ जायंट मेटालिक लैटिस, ठीक है, और जायंट मेटालिक लैटिस का होता है कि
हैंग हो गया एक सेकेंड। अच्छा जाइंट मेटालिक लैटिस का होता है, इट्स अ रेगुलर अरेंजमेंट। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू हैव टू राइट आंसर्स इन एग्जैक्टली द सेम वे। सो इट्स अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव मेटल आयंस इन ए सी ऑफ री मूविंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज। डीलोकलाइज का मतलब है कि दे डोंट हैव अ प्लेस, ठीक है, दे जस्ट रोमिंग अराउंड। इलेक्ट्रॉन्स एंड वाई इज देयर एन अट्रैक्शन, ठीक है। ये मेटालिक मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? अच्छा मुझे एक सेकेंड है, मैं रीस्टार्ट कर लूँ। अच्छा व्हाट्स अ मेटालिक अच्छा व्हाट्स अ मेटालिक बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड इज द अट्रैक्शन दैट इज गोइंग टू एग्जिस्ट ठीक ही है। शाजेब विशाल नशे में, ये ठीक है। जी सर। तो इसकी तीन चार प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन, और ये मेटल्स के अंदर, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर। जब भी कोई पूछेगा, जब हम पास पे करेंगे, यू आर गोइंग टू यूज द सेम वर्डिंग, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में स्ट्रक्चर तो हमने, वी हैव डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रॉपर्टीज में नंबर वन कि दे यूजली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, यूजली बट दे आर एक्सेप्शंस, ठीक है। एक तो मर्करी इज वन मेटल विच इज अ लिक्विड, ठीक है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट दे आर टुवर्ड्स द हायर साइड, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर टुवर्ड्स द हायर साइड, ठीक है। डिटेल में मेटल्स का चैप्टर है, वो हम बाद में करेंगे। बस ये याद रखना कि ग्रुप वन मेटल्स होते हैं ना, अच्छा ग्रुप वन मेटल्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, दैट्स लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दे मेल्टिंग पॉइंट्स आर नॉट दैट हाई। ग्रुप वन मेटल्स को ना सोडियम वगैरह को और कुछ तो हाथ पे मेल्ट हो जाते हैं, सो यू कैन मेल्ट देम इजीली। और इसमें याद रखना ट्रांजिशन मेटल्स नॉर्मली हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अच्छा ट्रांजिशन मेटल्स दे टेंड टू हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। वो सारा इस पे वेरी करता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा ना आयन के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो जो अट्रैक्शन होगी वो ज्यादा होगी। जैसे एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम ग्रुप 3 का है, ग्रुप 3 का मतलब है उसके ऊपर +3 का चार्ज होगा, इट्स गोइंग टू हैव अ +3 चार्ज, और उसके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना इफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इफ यू हैव मोर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, स्पेलिंग के नहीं लोकलाइज है, अच्छा सो इफ यू हैव मोर एंड इफ यू हैव ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल आयन, तो उससे क्या होगा, यू आर गोइंग टू हैव स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड्स।
अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है ना, सोडियम ग्रुप वन में होता है, सोडियम का जो चार्ज होता है ना वो क्या होता है, प्लस वन होता है, ठीक है। तो सोडियम ठीक है, उसका चार्ज खैर प्लस वन होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा बहुत कम होगा, ठीक है। सोडियम मेल्टिंग पॉइंट प्रॉब्ली 90 समथिंग, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सोडियम इज 98। एल्यूमिनियम ग्रुप थ्री में उसका प्लस थ्री चार्ज होता है, उसका जो लैटेस्ट होगा ना 660 डिग्री सेंटीग्रेड। सो एल्यूमिनियम हैज अ मच मतलब 6 टाइम्स हायर मेल्टिंग पॉइंट। सो सो द पॉइंट इज दैट जितना ज्यादा ये स्ट्रक्चर में ना डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना ज्यादा उसका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन देम इज गोइंग टू बी अ लॉट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये बात क्लियर है? जी सर, और खैर इसमें बस याद है ग्रुप वन मेटल्स का भी वो बाद में डिटेल करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होता, और ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा होता है। फिर सेकेंड इज के किसी को पता है सेकेंड की प्रॉपर्टी, और क्या प्रॉपर्टी होगी मेटल्स की? इलेक्ट्रिसिटी हाँ ठीक है, चलो ऑब्वियसली दे कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो हीट वेरी वेल। और उसका सिंपल आंसर बिकॉज ऑफ फ्री मूविंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। तो बिकॉज ऑफ फ्री मूविंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रीमली वेल। अच्छा फिर ये के नंबर थ्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल, व्हिच बेसिकली मींस दे आर काइंड ऑफ सॉफ्ट। यू कैन रीशेप देम, यू कैन बेंड देम, यू कैन हैमर इनटू शीट्स, ठीक है। तो मैलेबल का तो मतलब होता है कि आप उसको रीशेप कर सकते हो। डक्टाइल का मतलब होता है कि यू कैन मेक वायर्स आउट ऑफ दम। अच्छा बहुत कम सब्सटेंस, मतलब लॉट ऑफ सब्सटेंस आर ब्रिटल, व्हिच बेसिकली मींस दे आर नॉट ब्रिटल, ठीक है। इस पूरी बात का मतलब ये है कि दे नॉट ब्रिटल, शेप चेंज हो जाएगी ना उसकी, जो स्ट्रक्चर होगा ना वो फिर भी इंटैक्ट रहेगा। और उसकी सिंपल रीजन है कि इफ आई हैव दिस लैटिस, तो इवन इफ द आयन स्लिप एंड स्लाइड, इफ यू अप्लाई अ फोर्स एंड द आयन दे काइंड ऑफ अच्छा इवन इफ द आयन मूव, कि भाई मैं उसके ऊपर से हैमर करना शुरू करता हूँ और ये वाले जो आयन है ना दे स्लिप एंड स्लाइड एंड दे इवेंचुअली एंड अप समवेयर ओवर हियर, तो यहाँ पे तो उससे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्टिल गोइंग टू बी देयर, तो द आयंस वुड स्टिल बी इन प्लेस। सो इवन इफ द आयंस, वो जो आयनिक था ना, आयनिक के अंदर कंपाउंड्स जो थे बहुत सेंसिटिव थे कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आना चाहिए, अगर दो पॉजिटिव इकट्ठे आ गए ना तो वो रिपल्शन शुरू हो जाती थी। नाउ दे आर नॉट दैट सेंसिटिव, बिकॉज पॉजिटिव आयन को उठा के कहीं भी लगा दो, डी शेप कर लो, हैमर कर लो, इट्स इट स्टेज इन, आई मीन द अट्रैक्शन स्टेज देयर। The positive ion is going to be still attracted to the electrons, and the electrons are going to be attracted to the positive ion. So the तो इसका इसका वो पूछेगा भी रीजन कि भी why are they malleable and ductile? So when the metal is hammered, the positive metal ions can slip and slide in the giant metallic lattice.
वो बार बार पूछेगा तो आपने बताना है स्लिप एंड स्लाइड इन द मेटालिक लैटिस एंड विदाउट ब्रेकिंग द मेटालिक बॉन्ड्स, यानी वो स्लिप भी होगा लेकिन स्टिल अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव आयन. तो विदाउट ब्रेकिंग मेटालिक बॉन्ड्स, ठीक है, तो ये वो बहुत दफा पूछेंगे, एग्जैक्ट ई वर्डिंग रखनी है. बस ये मेटल्स, और इसमें ना जो ज्यादा मैलेबल हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? ग्रुप वन मेटल्स आर वेरी मैलेबल, ठीक है, रिमेंबर दैट. वो प्लास्टिसिन की तरह होते हैं, ठीक है, कि आप उनको हाथ से भी ना, यू कैन प्रेस देम एंड यू कैन डी शेप देम. ट्रांजिशन मेटल्स आर नॉट दैट सॉफ्ट, लेकिन अगर कॉपर वायर लोगे ना, कॉपर वायर को भी आप दांतों में चबाओ ना, तो क्या ना, यू कैन ईजली डी शेप इट, ठीक है. वो मतलब गोल्ड को टेस्ट करने का एक तरीका ये होता था कि आप उसको दांतों में चबाते थे, ठीक है. गोल्ड आई थिंक इज सॉफ्ट, काइंड ऑफ सॉफ्ट. तो वो एक पुराने जमाने में ना, इट वॉज अ वे टू एक्चुअली सी के फिट्स प्योर गोल्ड, क्योंकि एक और चीज होती है विच इज एलोय. एलोय इज कि व्हेन यू ऐड इम्प्योरिटी टू इट, व्हेन यू ऐड एन इम्प्योरिटी टू इट, व्हेन यू मिक्स अनदर मेटल इन टू इट, देन इट बिकम्स रियली स्ट्रॉन्ग, ठीक है. तो मेटल्स की तो खैर यही तीन प्रॉपर्टी थी कि बस दीज आर योर मेन प्रॉपर्टीज, बाकी तो मेटल के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट वी गोना जंप टू एलॉयज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारों सारों को? जी सर, अच्छा, अब एलॉयज पे आ जाओ कि व्हाट आर एलॉयज. तो एलॉयज पे हैं कि फर्स्ट थिंग, दे वेरी स्ट्रॉन्ग, दे नॉट मैलेबल और डक्टाइल, एंड देर एक्चुअली ब्रिटल, मतलब जब आप उसको डी शेप या डी शेप नहीं कर सकते ना, सो वॉट हैपन्स इज कि दे इजली ब्रेक और क्रैक, ठीक है. सो इन अ नंबर ऑफ वेज एलॉयज आर मच बेटर, क्योंकि सॉफ्ट मेटल्स का मसला ये है कि सॉफ्ट मेटल्स कान बी यूज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गाड़ियाँ चलानी है, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग मेटल. गाड़ी की जो फ्रेम है ना, इट हैज़ टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल. गाड़ी के जो व्हील्स है ना, दे हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग, कटे वगैरह आते हैं, ठीक है, यू डोंट वॉन्ट देम टू गेट डी शेप्ड. तो मतलब एलॉय की बहुत सारी चीज़ें बनती है, व्हील्स, कार बॉडीज, प्रिटी मच एवरी थिंग. यू डोंट मेक एनी थिंग आउट ऑफ प्योर मेटल्स, ठीक है. Because they're too soft. कुछ चीजों पे चाहिए भी होता है, मतलब obviously when you're making wires, you want something that's soft, that's easily flexible. अच्छा, खैर, alloy wheels, car bodies, etc. ठीक है. The only difference between alloys and this is के सब कुछ सेम होगा. बट वेन यू एड अनदर मेटल टू इट, वॉट हैपन्स इज कि एलॉय का जो स्ट्रक्चर है ना, दैट गेट्स डिस्टर्ब. तो अगर मैं इसको जरा उठा के साइड पे करते हैं, अच्छा, अब अगर मैं इस पर ना एक और मेटल डाल दूं बीच पे, ठीक है, सम अदर रैंडम मेटल, एंड दैट रैंडम मेटल इज मच बिगर इन साइज, ठीक है. सो लेट्स से आई हैव, अच्छा, सो लेट्स से आई हैव, बड़ा कर लेते हैं और, अच्छा, सो लेट्स से आई हैव एन इम्प्योरिटी एडेड टू इट. नाउ द इम्प्योरिटी इज गोइंग टू हैव अ
इट्स गोइंग टू हैव अ डिफरेंट साइज. और सिंप्योरिटी की वजह से क्या होगा कि द अच्छा उस इम्प्योरिटीज की वजह से ये होगा कि इट्स गोइंग टू फॉर्म एन इरेगुलर मेटालिक लैटिस. ठीक है, सो देयर इज एन इम्प्योरिटी दैट्स एडेड, और वो हो सकता है खाली एक दो ना हो, मतलब देयर कुड बी अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज दैट कुड बी एडेड टू इट. I said, so because of all of this, I said, so because of all of this, an irregular metallic lattice gets formed. Now the structure is exactly the same, but now the issue will be you can't apply a force and the layers will not slip and slide easily. Okay. तो पहले ये था कि वो लेयर्स लेयर्ड स्ट्रक्चर था, इट वाज नीटली अरेंज्ड एंड दे कुड इजीली स्लिप एंड स्लाइड, बट दैट इज नॉट द केस एनी मोर. तो आपका जो स्ट्रक्चर है ना, दैट्स नो लॉन्गर, आई मीन इट्स काइंड ऑफ रिजिड. ठीक है, वो इतना मेसी हो जाता है बिकॉज ऑफ द अदर. सो व्हाट यू गोना राइट इज के वाई एलॉय इज स्ट्रॉन्गर. तो सो ड्यू टू डिफरेंट साइज्ड, so due to different size metal ions, so they can no longer easily slip and slide. And they're kind of stuck in place, okay, because of the more messier. So due to different layers, you know, as an irregular metallic lattice, तो पहले वो बड़ा रेगुलर था, लेयर्स आराम से मूव कर सकती थी. नाउ इट्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली move the ions within the structure, theek hai, they can't slip and slide. So when you apply a force, it's going to become very rigid, theek hai. To aapke alloy rims wagera aise bend nahi hote, they're not very flexible because it's even gold jewelry jitni bhi hoti hai, that's all impure because you want it to be impure, warna wo toot jati hai aaram se, theek hai. So copper wire can be blast leke aap kaat dete ho na, to but you can't do this with alloys, theek hai. तो ये जो पार्ट है ये ठीक है, ये क्लियर है? जी सर. यस सर. और इस पे एलॉयज में ना आपको याद रखना है कि यू हैव टू रिमेम्बर थ्री एलॉयज. ठीक है, फर्स्ट वन इज एक स्टील है. अच्छा, स्टील इज आयरन, उसके अंदर कार्बन इज मिक्स्ड. फिर यू हैव ब्रॉन्ज, उसमें यू हैव गॉट कॉपर प्लस टिन SN, और एक ब्रास है विच इज गोइंग टू बी कॉपर प्लस जिंक. ठीक है, ये तीन एलॉयज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर द कॉम्बिनेशंस. एक स्टेनलेस स्टील भी है, सो दैट वन इज आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम. दो स्टेनलेस स्टील है. सो दीज आर सम कॉमन एलॉयज दैट आर ऑफन फ्रीक्वेंटली यूज्ड, और इनका पता होना चाहिए, इनकी कॉम्बिनेशन. और एलॉयज में एक चीज याद रखो, द ग्रेटर द इम्प्योरिटी द स्ट्रॉन्गर इट्स गोइंग टू बी.
और स्ट्रॉन्ग होना फायदा नहीं है क्योंकि इट्स गोना मेक इट मोर ब्रिटल एज वेल, तो वो क्रैक कर जाता है. तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है मेटल्स के अंदर. यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज बिकॉज समथिंग इज नॉट फ्लेक्सिबल, तो वो जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है ना, इट ब्रेक्स. तो यू वॉन्ट थिंग्स टू बी फ्लेक्सिबल. चेयर को आप अगर स्टील की चेयर है उसको जोर से नीचे मारते हो ना, तो वो पीसेस में टूटती नहीं है. क्यों नहीं टूटती? क्योंकि इट बेंड्स. ठीक है, द फोर्स गेट्स एब्जॉर्ब व्हेन इट बेंड्स. गाड़ियों की टक्कर होती है तो अगर वो लेट्स से ईंटों की बनी होती गाड़ियाँ, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो इट घर जिस तरह क्रम्बल कर जाता है ना, पूरी कार जो होती है वो क्रम्बल कर जाती है. यू डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन. यू वॉन्ट इट टू बी मैलेबल एंड फ्लेक्सीबल एंड डक्टाइल, ताकि जब एक्सीडेंट हो तो वो ब्रेक ना कर जाए पीसेस में, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे एंड इट गेट्स डी शेप. ठीक है, चलो ठीक है, ये कल कंटिन्यू करते हैं. आई थिंक वी आर डन विद मतलब केमिकल बॉन्डिंग होगी, इसके पास पेपर्स करने हैं. ठीक है, तो फिर कल से स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, जी सर, चलो ठीक है भाई, ओके सर, अल्लाह हाफिज़ ओके, अल्लाह हाफिज. सर। हमारी टेस्ट कब होंगे? बस टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओके.